बैक टू माई YouTube चैनल किचन डिलीशियस। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये एक नई रेसिपी जिसे हमने नाम दिया है मैगी मसाले के चावल। आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हमने ये प्याज लिए, दो प्याज लिए हमने मीडियम साइज की, और ये हमने चार हरी मिर्च लिए नॉर्मल साइज की, दो टमाटर लिए हमने मीडियम साइज के, और ये हमने तीन आलू लिए हैं। हमने इनको रफली चॉप्ड कर लिया है सब चीज़ों को, हमें इनको किसी को भी फाइन चॉप नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम एक कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर लेंगे, और अब हम उसमें ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालना है, एक से डेढ़ चम्मच डालेंगे हम इसमें ऑयल, जिससे हमारी जो प्याज है वो अच्छे से इसमें फ्राई हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक से डेढ़ चम्मच ऑयल ले लिया है, और हमने अभी जो गैस का फ्लेम है उसे फुल पे रखा है। हम पहले ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, अच्छे से हीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। इसे गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और अब हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अब प्याज को फ्राई करना है, हमें इसे लाइट ब्राउन ही करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमें इसको, लाइट ब्राउन भी नहीं, लाइट पिंक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्याज है वो लाइट पिंक हो चली है। अब हम इसमें जो है आलू डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें आलू डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें आलू डाल दिए हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हमें आलू को फ्राई कर लेना है। चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा। हमने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला था वो नीचे जलने लगा था, तो हमने इसमें ज़रा सा पानी डाल दिया है, और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो जो हमने टमाटरों को रफली चॉप्ड करके रखा था, हमने वो टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं। अभी हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मेनली ये वही जो हम राइस बना रहे हैं, ये वही हैं जो हम मेन इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं, उसी के नाम पे इसका नाम है। मसाला थोड़ा अच्छे से तल गया है, आलू और टमाटर सब तल गए हैं, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। हमने एक कटोरी चावल लिए थे और उनको हमने भिगो के रख दिया था, और अब हमने पानी सेपरेट कर लिया है, अब हम ये चावल डाल देंगे। तीन कटोरी पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमने डेढ़ कटोरी चावल लिया है, ये साइज़ है हमारी कटोरी का। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे, और अब हम इसमें एक इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है मैगी मसाला। हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें दो पैकेट मैगी मसाले के डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। फ्रेंड्स, अभी हरे मटर आ नहीं रहे थे और सफल मटर हमारे पास ख़त्म हो गए थे, इसलिए हमने मटर नहीं डाले इसमें। और जब आपके पास अगर मटर आ रहे हों या आपके पास सफल मटर हो, तो आप वो भी डालिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। तो हमने ये पूरा पैकेट मैगी मसाले का इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मसाला भी हमने मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें लास्ट में हरी मिर्च डालेंगे, जो हमने पहले से नहीं डाली थी। हरी मिर्च को हमें इस तरह से ही कट करना है, बीच से टू पीस करके, और हमें उसको कट कर देना है बस। कुकर का लिड बंद कर देंगे, विसल आ गई है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने टेस्टी दिख रहे हैं हमारे चावल। ये देखिए हम इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इन्हें सर्व। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।